रेसलमेनिया 92 खत्म हो चुका है, क्या ही भयानक था ये, बेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। चलिए मैचेस के बारे में बात करें तो पहला मैच था हमारा इयो स्काई वर्सेस बेली। पहले बेली एंट्रेंस करती है, फिर इयो स्काई आती है, फिर अनाउंस होता है, फिर ये मैच चालू हो जाता है। ये मैच में स्टार्टिंग से ही ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है हमारी बेली। फिर बेली थोड़ा और मारने के बाद इयो स्काई को रिंग के अंदर लेके जाती है, पिन करते पड़े इयो स्काई आराम से किक आउट कर देती है। फिर बेली लगा देती है इयो स्काई को ये सबमिशन रिंग के पास, और फिर इयो स्काई ऑलमोस्ट दम तोड़ चुकी थी, टैप आउट करने वाली पर नहीं किया। फिर उसके बाद इयो स्काई थोड़ा कम बैक करते पर फिर बेली मारने लगती है इयो स्काई को, पर फिर इयो स्काई कूद जाती है बेली के ऊपर रिंग के बाहर। थोड़ी देर बाद इयो स्काई कम बैक करते और क्या ही मारती है फिर बेली को, फिर इयो स्काई बेली को जर्मन सुप्लेक्स लगा देती है, अपना फिनिशर लगा देती है इयो स्काई पर, रिवर्स कर देती है बेली। उसके बाद यहाँ पे नहीं रुकती है इयो स्काई, फिर वो सबमिशन लगा देती है बेली को। इयो स्काई बेली के ऊपर बैरिकेड से भी कूदती है बट बेली रिवर्स कर देती है जिससे वो जमीन पे गिरती है डायरेक्ट। उसके बाद बहुत देर बाद कम बैक करती है बेली, फिर वो अटैक कर गिरा देती है इयो स्काई को, फिर आराम से कम बैक कर लेती है इयो स्काई। बात करें कि मैच में एंड में क्या हुआ, मैच के एंड में फिनिशर लगाने वाली थी इयो स्काई बट बेली ने रिवर्स कर दिया, फिर अपना फिनिशर लगा के बेली ने पिन कर लिया इयो स्काई को। लग रहा था कि इयो स्काई किक आउट करेंगे पर इयो स्काई किक आउट नहीं कर पाए, मान चुकी हमारी बेली न्यू विनर। बात करिए मैच को कितना रेट करेंगे तो हम इसको देना चाहेंगे 5 out of 10। बात करिए हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में तो ये है लोगन पॉल केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। पहले लोगन पॉल एंट्री करते हैं प्राइम के ट्रक के साथ, फिर केविन ओवेंस आते हैं गाड़ी में, उनके पीछे रैंडी ऑर्टन भी होते हैं। जैसा कि हम लोग ने सोचा था कि इनका टैग टीम टूट जाएगा केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के, पर ऐसा हुआ नहीं। इसकी स्टार्टिंग से केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन मिलके मार रहे होते हैं लोगन पॉल को, पहले केविन ओवेंस तोड़ते हैं लोगन पॉल के ऊपर टेबल, फिर रैंडी ऑर्टन, फिर केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल को रिंग पे भी लाके मारते हैं। मैच में दोनों ने मिलकर बहुत मारा है लोगन पॉल को, पर फिर लोगन पॉल कम बैक कर लेते हैं, टैकल मार के गिरा दिया लोगन पॉल ने, फिर लोगन पॉल कूद जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, फिर लोगन पॉल जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वहाँ पे सुपर किक मार देते हैं उनको केविन ओवेंस, फिर केविन ओवेंस धोखा दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को, तीनों रिंग में गिर जाते हैं। फिर लोगन पॉल कूद जाते हैं केविन ओवेंस के ऊपर टॉप रोप से, फिर वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी कूद जाते हैं। इसके बारे में क्या देते हैं मिलता है कि रैंडी ऑर्टन ने क्लासिक डीडी लगा देते हैं दोनों को, फिर केविन ओवेंस सुपर किक मार देते हैं लोगन पॉल को, फिर रैंडी ऑर्टन के ऊपर कूद जाते हैं लोगन पॉल, फिर से केविन ओवेंस कूद जाते हैं लोगन पॉल के ऊपर टॉप रोप से, फिर उसके जवाब में रैंडी ऑर्टन आरकीओ लगा देते हैं केविन ओवेंस को, फिर लोगन पॉल को मिल जाता है ब्रास नकल और वो अटैक करने जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, तो ब्रास नकल लग भी जाता है रैंडी ऑर्टन को, फिर वो कियो को मारते हैं, कियो को भी लग जाता है उनको ब्रास नकल, फिर रैंडी ऑर्टन आरकीओ मार देते हैं लोगन पॉल को, और फिर रैंडी ऑर्टन के पास आ जाता है ब्रास नकल लोगन पॉल का। रैंडी ऑर्टन बाहर जाके हमला कर देते हैं प्राइम की बोतल में, फिर पता चलता है कि उसमें तो थे आईशो स्पीड, फिर रैंडी ऑर्टन को स्टनर लग जाता है केविन ओवेंस के द्वारा, इसका फायदा लोगन पॉल उठाते हैं और अपना फिनिशर लगा के जीत जाते हैं, मतलब कि रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप को। इस मैच को देंगे हम 7 out of 10 रेटिंग, गुड मैच था यार। बात करें हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में तो ये है LA Knight वर्सेस AJ Styles। पहले एंट्रेंस करते हैं हमारे LA Knight, फिर एंट्रेंस करते हैं AJ Styles। क्या ही भयानक एंट्रेंस थी इस मैच में AJ Styles की। मैच में शुरू से ही डोमिनेट कर रहे होते हैं LA Knight पर, फिर AJ Styles वापसी कर लेते हैं, फिर LA Knight वापसी करते हैं और फेंक देते हैं AJ Styles को नीचे, और फिर वहाँ पे टेबल के पास मारते हैं AJ Styles को, फिर LA Knight फिर लेके आते हैं AJ Styles को रिंग के अंदर, फिनिशर लगा देते हैं LA Knight AJ Styles को, फिनिशर के बाद किक आउट करते हैं AJ Styles, फिर वो फिर मारने लगते हैं क्लोज नाइन मारते हैं वो AJ Styles को, वो गिर भी जाते हैं, फिर रोप से कूद जाते हैं हमारे LA Knight AJ Styles के ऊपर, फिर वापसी करते हुए क्या ही भयानक का सुप्लेक्स लगाते हैं AJ Styles LA Knight को, फिर LA Knight को स्टाइल क्लैश लगा देते हैं हमारे AJ Styles, फिर LA Knight कूद जाते हैं AJ Styles के ऊपर टॉप रोप से, और फिर वो जैसे ही वो अंदर आते हैं वैसे AJ Styles अपना सबमिशन लगा देते हैं, टैप आउट नहीं करते LA Knight, फिर रिंग के बाहर से कूद जाते हैं LA Knight के ऊपर AJ Styles। अभी तक बहुत पिटा चुके होते हैं LA Knight, उनका पूरा तबीयत ऐसी की तैसी हो जाता है, फिर वो गुस्से में टेबल लेके आते हैं अंदर, फिर LA Knight AJ Styles के ऊपर टेबल भी तोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर तक पीटने के बाद अंदर लेके जाते हैं LA Knight AJ Styles को, पर वहाँ पे AJ Styles वापसी कर लेते हैं। जैसे ही AJ Styles रिंग के अंदर आते हैं उनके अंदर अलग सी आत्मा आ जाती है, वो क्या ही मारते हैं LA Knight को, फिर बहुत देर मार खाने के बाद LA Knight फाइनली वापसी करते हैं इस मैच में, फिर वापसी करते हुए AJ Styles हमला कर देते हैं और लगा देते अपना फिनिशर LA Knight को, तभी भी अपना फिनिशर लगा के जीत जाते हैं LA Knight ये मैच।
3 मैच की तरह रेटिंग देना चाहेंगे तो हम देंगे ये वाला मैच को 4 out of 10। बहुत फालतू मैच था ये। नेक्स्ट मैच है हमारा टीम बॉबी लैशली वर्सेस टीम कैरियन क्रॉस। सच बताए मेरा ये मैच कवर करने अमन मिंदर पर रेसलमेनिया का मैच है इसलिए कवर कर लिया, इसलिए मैं मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन कवर नहीं करता क्योंकि वहां पे बहुत फालतू मैचेस होते हैं, मेरा ये सब मैच कवर करने का मन नहीं करता। इस मैच में सबसे पहले एंट्री करते हैं कैरियन क्रॉस का टीम, फिर आते हैं हमारे बॉबी लैशली के टीम। येलो का ये मैच चालू हो जाता है और ये मैच बहुत स्लो फेस से चालू होता है। इस मैच में शुरू से डोमिनेट करते हैं बॉबी लैशली की टीम, अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था ओपोनेंट टीम को, जब भी वो कुछ करते तो रिवर्स कर दे रहे थे हमारे बॉबी लैशली की टीम। कैरियन क्रॉस ने भी इस मैच में बहुत खराब परफॉर्म किया और दूसरी तरफ इस मैच में क्या ही भयानक रेसलिंग कर रहे थे बॉबी लैशली, बहुत ज्यादा ही डोमिनेट किया इस मैच में उन्होंने की बराबर ही बॉबी लैशली हमें गिरते हुए दिखे थे और मार खाते हुए दिखे थे इस मैच में। जो हाफ मैच में था वो था पूरा कैरियन क्रॉस और उनकी टीम की वापसी का हाल। आखिरी हाफ कैरियन क्रॉस और उनकी टीम की वापसी के लिए याद रखा जाएगा, क्या ही मारा आखिरी में, क्योंकि एक तो फीमेल मेंबर ने डस्टबिन भी उड़ा के फेंक दिया था लैशली के टीम मेंबर्स पे। हमारा कैरियन क्रॉस की टीम ने इतना मारा कि बॉबी लैशली की टीम का भूत बन गया। फिर जब बॉबी लैशली की टीम के सब डाउन थे तो कैरियन क्रॉस और उनकी पूरी टीम ने मिलकर बॉबी लैशली को मारा। फिर फाइनली बॉबी लैशली की टीम भी कमबैक करती है इस मैच में। इस मैच में बॉबी लैशली कैरियन क्रॉस को फिनिशर लगा के जीत जाते हैं। मैच बात करें कितना स्टार देगी तो इस मैच को देंगे 3 out of 10। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग स्मैकडाउन लेवल के मैचेस रेसलमेनिया में क्यों ही करा रहे हैं। बात करें हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में तो ये है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये क्या ही कमाल का मैच था, शुरू से ही सेथ रॉलिंस भारी पड़ा था, क्या ही भयानक एंट्रेंस ली थी सेथ रॉलिंस ने। पहले ड्रू मैकइंटायर एंट्री करते हैं इस मैच में, फिर आते हैं सेथ रॉलिंस पर। ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस को बहुत मारते हैं इस मैच में, सेथ रॉलिंस थोड़ा वापसी करने की कोशिश करते पर नहीं कर पाते। फिर ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को, फिर ड्रू मैकइंटायर हमला करने लगते हैं सेथ रॉलिंस के बाबा। इस बार सेथ रॉलिंस वापसी कर ही लेते हैं फाइनली, वापसी करते हुए सेथ रॉलिंस सुपर किक लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, फिर पावर बॉम्ब भी लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को। फिर ड्रू मैकइंटायर जैसे क्लेमर लगाने आते हैं सेथ रॉलिंस को, ऐसे वो उसको पेडिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर स्टॉर्म भी लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, फिर टॉप रोप के ऊपर से लगा देते हैं स्टॉर्म सेथ रॉलिंस। फिर ड्रू मैकइंटायर वापसी करते हुए हमला कर देते हैं सेथ रॉलिंस के बाबा, फिर सेथ रॉलिंस को मारने लगते हैं ड्रू मैकइंटायर। फिर से ड्रू मैकइंटायर मोमेंटम गेन कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, रिंग के अंदर लाके ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को, पिन करते हुए सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। ड्रू मैकइंटायर तोड़ देते हैं कमेंट्री टेबल सेथ रॉलिंस के ऊपर, जैसे ड्रू मैकइंटायर दूसरा टेबल तोड़ जाते हैं पेडिग्री लगा देते हैं हमारे सेथ रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर को, फिर स्टॉर्म भी लगा देते हैं टेबल के ऊपर। सेथ रॉलिंस जैसे ही उनको अंदर लेके आते हैं उसे क्लेमोर लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर, जीत जाते हैं ये मैच। फाइनली लाइव रिएक्शन मिल जाता है ड्रू मैकइंटायर को, उनका मूवमेंट मिल जाता है रेसलमेनिया का, ड्रू मैकइंटायर रोने लगते हैं, फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं यू डिजर्व इट। नहीं मालूम क्या हुआ ड्रू मैकइंटायर को चले गए और सीएम पंक से पंगा लेना, सीएम पंक उल्टा सीधा बोलने लगे, तभी सीएम पंक ने हमला कर दिया ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। मौका का फायदा उठाने में डीमन प्रीस्ट आ गए, कैश इन कर दिया उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और वो फिर लड़ने लगे ड्रू मैकइंटायर से। फिर डीमन प्रीस्ट लेके चले गए उनको रिंग के अंदर, फिर अपना फिनिशर लगा के जीत चुके हैं ये मैच, डीमन प्रीस्ट बन चुके हैं न्यू चैंपियन। जजमेंट डे आके सेलिब्रेट करते हैं, उधर सीएम पंक भी हंस रहे होते हैं ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। फिर जजमेंट डे यहाँ से चली आती है और ड्रू मैकइंटायर ये मैच हार जाते हैं। बात करिए मैच हम की तरह देंगे तो ये मैच देंगे 10 out of 10। नेक्स्ट और फाइनल मैच है हमारा मेन इवेंट फॉर अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप। पहले कोडी रोड्स आते हैं, मैच में क्या ही भयानक एंट्रेंस करते हैं कोडी रोड्स, फिर आते हैं रोमन रेंस और ये मैच चालू हो जाता है। मैच शुरुआत से इंटरेस्टिंग था, रोमन रेंस पहले डोमिनेट करते हैं, फिर कोडी रोड्स टेबल निकालते हैं, बट फिर रोमन रेंस उसको अंदर कर देते हैं, फिर रोमन रेंस खुद ही निकाल लेते हैं केंडो स्टिक और फिर वो मारने आते हैं केंडो स्टिक से कोडी रोड्स को, बट कोडी रोड्स बच जाते हैं और फिर ये दोनों सुपरस्टार्स लड़ते लड़ते क्राउड में चले जाते हैं और फिर में जाके लड़ते हैं। फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स को टेबल में गिराने की कोशिश करते हैं, बट खुद ही रोमन रेंस को कोडी रोड्स गिरा देते हैं टेबल में और रोमन रेंस की पीठ टूट जाती है। फिर कोडी रोड्स को रिंग पे लाने के बाद पावर बॉम्ब लगा देते हैं रोमन रेंस, फिर रोमन रेंस क्रॉस रोड्स लगा देते हैं कोडी रोड्स को और फिर कोडी रोड्स टेबल खोल देते हैं बाहर जाकर, फिर रोमन रेंस को लेके आते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स रोमन रेंस पर टेबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट रोमन रेंस उल्टा कोडी रोड्स के ऊपर टेबल तोड़ देते हैं। फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स को रिंग के अंदर लाते हैं, स्पीयर लगाने आते हैं, स्पीयर लगता नहीं उल्टा क्रॉस रोड्स लग जाता है रोमन रेंस को और कवर कर देते हैं कोडी रोड्स। रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं क्रॉस रोड्स से।
फिर कोडी रोड से बचाने रोमन रेंस को जिमी उसो आ जाते हैं। फिर जिमी उसो बचाते हैं रोमन रेंस को, फिर हमला करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। फिर जिमी उसो को रोकने आ जाते हैं जियोस और फिर येलो दोनों चले जाते हैं यहाँ से। रोमन रेंस अपने आप लड़ने लगते हैं, फिर रोमन रेंस पीएल लगा देते हैं कोडी रोड्स को। फिर कोडी रोड्स को पिन करते हैं रोमन रेंस पर, कोडी रोड्स आराम से किक आउट कर देते हैं रोमन रेंस के पिन पे। जो रोमन रेंस ने क्रॉस रोड्स लगाया था कोडी रोड्स उसका बदला लेते हुए कोडी रोड्स ने भी स्पीयर लगा दिया रोमन रेंस को। असल में 39 की तरह करते हैं कोडी रोड्स और बैक टू बैक तीन क्रॉस रोड्स लगाने की कोशिश करते हैं। मीना 39 का ही तरह होता है, सोलो सिकोवा के समोन स्पाइक लगा देते हैं कोडी रोड्स को। फिर कोडी रोड्स के ऊपर रोमन रेंस को रख देते हैं, बोलते हैं फिर को पिन करने पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। कोडी रोड्स किक आउट करते तो सोलो सिकोवा बोलते हैं रोमन रेंस को कि आप स्पीयर लगाए, तो रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं। जैसे स्पीयर लगाते हैं फिर बोलते हैं कि समोन स्पाइक लगाइए, और समोन स्पाइक के साथ स्पीयर लगाते हैं इन लोग दोनों। फिर कोडी रोड्स को मार खाते हुए देख हमारे आ जाते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। इसी का तो मुझे इंतजार था। हम सीधा आते साथ ही ए लगा देते हैं रोमन रेंस को, फिर सोलो सिकोवा के ऊपर टेबल भी तोड़ देते हैं। फिर आके वो फिर सोलो सिकोवा के ऊपर टेबल तोड़ते एक और फिर जॉन सीना को रोकने आ जाते हैं हमारे द रॉक। कसम से रेसलमेनिया 28 और रेसलमेनिया 29 का वाइब आ गया यहाँ पे। फिर जॉन सीना को रॉक बॉटम लगा देते हैं द रॉक, और फिर लाइट्स बंद होता है। गेस करो क्या होता है? जी हाँ, अंडरटेकर वापस आ चुके हैं। अंडरटेकर चोक स्लैम लगा देते हैं रॉक को। फिर मैच के एंडिंग में होता है रोमन रेंस के पास चेयर होता है, वहाँ पे शील्ड वाले कपड़े में खड़े होते हैं सेथ रॉलिंस। रोमन रेंस जो है चौले का बल्ला लेते हुए सेथ रॉलिंस को चेयर मारते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए कोडी रोड्स बैक टू बैक तीन क्रॉस रोड्स लगा देते हैं रोमन रेंस को। फिर कोडी रोड्स पिन कर देते हैं रोमन रेंस को, और फाइनली ये मैच जीत चुके हैं रोमन रेंस। रोड्स इज न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बुरा लगा भाई रोमन रेंस के लिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली रेसलमेनिया 40 खत्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।